नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास से संबंधित आपके 5वें अध्याय, जिसका नाम है शिल्प और उद्योग। तो शिल्प और उद्योग का हम अध्ययन कर रहे हैं, और इस वीडियो के पहले मैं आपको दो वीडियो आपके लिए मैं तैयार कर चुका हूं। अब ये तीसरा वीडियो है, तो इस तीसरे वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे मैं कुछ प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना होगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ना। तो कोशिश मैं करूंगा कि जहां तक हो सके आपका ये चैप्टर जो है रोचक भी हो और ज्ञानवर्धक भी हो। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते कई जगहों, कई स्थानों के नाम हम लोग ले चुके हैं, जैसे कि कलकत्ता, जैसे कि ढाका, जैसे कि सूरत, जैसे कि मछलीपट्टनम, जैसे कि मुंबई, है ना, कई शहरों के नाम हम ले चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे सामने जो पेज खुला हुआ है उस पेज पे एक तस्वीर बनी हुई है, और ये जो तस्वीर है वो एक कपड़े की तस्वीर है, भारत में बनने वाला एक कपड़ा है ना, जो गुजरात में बनता था, इसको हम लोग पटोला बोलते थे। ठीक है, तो मान के चलिए कि सूरत के किसी दुकान में, कोई आम से दुकान में, मैं कोई खास दुकान या कोई खादी के दुकान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ये पटोला आज उपलब्ध है या कि नहीं है। उसी तरह से हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, उसकी राजधानी ढाका जो कभी भारत में हुआ करता था, तो वहाँ पे मलमल बनता है ना। तो क्या ढाका के बाजारों में आज भी मलमल है कि मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन से वो प्रभावित हो गया, और वो चीज़ें जो हम बनाने में सक्षम थे, अच्छी से अच्छी चीज़ें हम जिसका उत्पादन कर लेते थे, कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। यदि किसी इसी तरह के शहर जैसे सूरत या ढाका की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ हम जाएं और किसी दुकान में हम बोले कि आपके दुकान में छींट है, कोसा है, बंडाणा है, या कि पटोला है, तो उन लोग का जवाब जनरल जो है वो होगा कि ना, नहीं है मेरे यहाँ, हम लोग नहीं बेचते हैं जी सब। कई लोग तो नाम भी शायद नहीं जानते होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने इतिहास को भूल जाएं ये अच्छी बात नहीं है। उत्पादन आज भी होता है, कम होता है, तो हम थोड़ा देखें कि हमारे कुटीर उद्योग जो हैं वो कितने संपन्न थे, कितने रिच थे, और कितनी क्वालिटी थी, और कितनी उम्दा क्वालिटी उसमें थी, है ना। तो पिछले 200 वर्षों में, 200-250 वर्षों में हम लोगों ने सब कुछ पाया ही नहीं है, बहुत कुछ खोया भी है स्टूडेंट्स। देखिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पृष्ठ में जो कुछ भी है हमारे चैप्टर से संबंधित, उसको हम पढ़ते हैं, आपको सुनना है और ध्यान से सुनना है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग पेज नंबर 58 पे फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, यानी कि जो इंडियन टेक्सटाइल है और जो वर्ल्ड मार्केट है। वर्ल्ड मार्केट मतलब कि दुनिया के विभिन्न देश जहाँ की हम कपड़े बेचते थे या कि आज भी हम बेचते हैं। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों से काफी आगे निकल चुका था। ठीक है, मतलब आपको पता है सन 1757 में पलासी की लड़ाई हुई, पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला मारा गया, और उसके बाद जो है वहाँ जो भी सरकार बनी, जो भी राजा या नवाब हुए, वो कठपुतली रहे, किसके, अंग्रेजों के। और वास्तविक शक्ति किसके हाथ में आ गई, वास्तविक शक्ति आ गई अंग्रेजों के हाथ में। तो आप लोग जानते हैं कि बंगाल में जो है द्वैध शासन शुरू हुआ था,
है ना, एक अंग्रेजों का शासन और दूसरा वहाँ के नवाब का शासन। जो लैंड रेवेन्यू और जो रॉयल्टी थी, है ना, जो पैसे वाला जो विभाग था वो अंग्रेजों के हाथ में था। मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना कि बंगाल की दीवानी मिल गई अंग्रेजों को, बंगाल की दीवानी मिल गई। दीवानी मिल गई का मतलब क्या होता है? इसका यही मतलब होता है कि जो टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार है ना, वो अंग्रेजों को मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। आगे देखिए, भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। ये तो सही बात है। दक्षिण और पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग। स्टूडेंट्स, जावा कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। आप लोग विश्व का मानचित्र खोल लीजिए या फिर एशिया का मानचित्र खोलिए अपने नक्शे में, है ना। यदि आपके पास नक्शा है तो ठीक, और नहीं तो आप इसको देख लीजिएगा। जावा और सुमात्रा ये इंडोनेशिया में है, है ना। और पेनांग कहाँ है स्टूडेंट्स? ये पेनांग जो है वो है मलेशिया का हिस्सा, है ना, एक द्वीप है। पेनांग आइलैंड जॉर्जटाउन, इसको पेनांग बोलते हैं। और ये मतलब ये बहु सभ्यता वाला जो है, बहुभाषी और मल्टीकल्चरल ये द्वीप है, जिसको हम लोग पेनांग बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षिण और पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में, पश्चिमी एवं मध्य एशिया, पश्चिमी और मध्य एशिया में क्या आते हैं? पश्चिम और मध्य एशिया में जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, ये सब आते हैं। ठीक है, पश्चिमी एवं मध्य एशिया। अच्छा, मध्य एशिया में क्या आएंगे? मध्य एशिया में आएगा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब आएगा मध्य एशिया में। उसके बाद मध्य एशिया के बाद तो उधर रूस का हिस्सा है, आपको मालूम है। ठीक है, इसको नक्शे में देखिएगा स्टूडेंट। मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। स्टूडेंट, 16वीं शताब्दी माने, 16वीं शताब्दी का मतलब होता है 1501 से लेकर के 1600 तक का जो समय है वो। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी से 1501 से 1600 स्टूडेंट्स, उस समय को थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी, भारत के पर्सपेक्टिव में भी समझने की कोशिश कीजिए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, और उस वक्त समझ जाइए कि भारत में मुगलों का शासन शुरू हुआ था। ठीक है, तो हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं, लोदी वंश के का जो काल था वो, और उसके बाद मुगल शासन की आप शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि बाबर, हुमायूं, उसके बाद शेरशाह सूरी का काल, और उसके बाद अकबर का काल। यही है 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। भारतीय बुनकरों के, बुनकर माने वीवर, वीवर माने जुलाहे, है ना, बंगाल में जिसको मतलब तांती भी बोला जाता है, बंगाल के झारखंड में भी बोला जाता है तांती, है ना। तो ये जो बुनकर थे वे हुनरमंद लोग होते थे, बहुत हुनर था इसमें, इनमें, है ना। और इस फलते फूलते व्यापार में प्रचलित बहुत सारे शब्द आज भी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना बड़ा मजेदार है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पटोला बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। देखिए, पाटन से पटोला, है ना, इंडोनेशिया में इस बुनाई का बड़ा बाजार था। इंडोनेशिया, आप समझ रहे हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तो मलेशिया में है, लेकिन जावा सुमात्रा कहाँ है? वो इंडोनेशिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान है, ईरान के थोड़ा पश्चिम में एक जगह है, उसको हम लोग कहते हैं इराक। ठीक है,
उस इराक में जो कपड़े का जो मार्केट है, उस मार्केट में अंग्रेजों ने पहली बार जो सूती का कपड़ा खरीदा था वो भारत से गया हुआ था इराक, ठीक है। तो उस कपड़े को अंग्रेजों ने कहा मौसूल, क्या कहा? मौसूल, है ना। तो उस मौसूल का जो अपभ्रंश है ना, बाद में चल करके हो गया मसलीन, ठीक है। तो अब उस शहर को हम लोग कहते हैं, माने इराक का जो शहर है ना उसका नाम है मौसूल। तो मौसूल में जो भारत का कपड़ा उन लोगों ने देखा, अंग्रेजों ने जो देखा है ना, उसको उन लोगों ने मौसूल कहा या फिर मसलीन कहा। तो मसलीन शब्द आज भी है, जो अंग्रेजी में मलमल को मसलीन कहा जाता है, ठीक है। जल्दी ही यह शब्द प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पुर्तगाली पहली बार भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्दों को कैलिको कहने लगे। मतलब जो कालीकट क्षेत्र से जो कपड़ा वो लोग ले जाते थे पुर्तगाली लोग, तो उसको वो लोग बोलते थे कैलिको। तो ये शब्द और ये टर्म जो है ना, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को। आप लोग जींस का पैंट पहनते ना, जींस है ना, तो ये जींस जो है ना, ये भी एक अपभ्रंश नाम है। ये भारत का पुराना जो सूती कपड़ा था सिंच या छीट, वो लोग छीट या सिंच बोलते थे, तो उसी से हो गया जींस, ठीक है। अब देखिए जामदानी बुनाई, ये जो चित्र दिया हुआ है ये जामदानी बुनाई है। क्या है जामदानी बुनाई? 20वीं सदी की शुरुआत में जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसका रंग प्रायः सफ़ेद और सलेटी होता है। तो देखिए भारत का कपड़ा जो उद्योग था वो कितना इम्पॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, आप इसको समझ सकते हैं कि हम लोगों के पास जो ज्ञान था वो ज्ञान हम लोग जो है उस ज्ञान से हम लोग चूक गए, है ना। हम लोग के पास जो कारीगरी थी वो दुनिया के पास नहीं थी। तो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन या मशीनीकरण के कारण हम लोगों ने जो अपना पुराना ज्ञान था इस देश का, उसको हम लोग भूल गए, ठीक है। तो शब्द भले आज हों लेकिन ये कपड़े जो हैं अब आम उपयोग में तो नहीं हैं, और बनते भी हैं तो बहुत कम, बहुत साधारण रूप में उपयोग में आता है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे झारखंड राज्य में भी आप देखिएगा जो बुनकरों के द्वारा बनाए गए जो कपड़े जो खादी भंडारों में मिलते हैं, तो कहाँ हम लोग खादी भंडार ज़्यादा जाते हैं और कपड़े खरीदते हैं। हम लोग जो सामान जो बाज़ारों में मिल जाता है उसको ले लेते हैं, और हम लोग जानते ही नहीं हैं कि जो मशीन के बने हुए कपड़े क्या होते हैं और हाथ के बुने हुए कपड़े क्या होते हैं। तो ये सब बातें जानना चाहिए हम लोगों को, अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को, चाहे वो कपड़े के माध्यम से हो, उद्योग के माध्यम से हो, या किसी भी रूप में हो। हमारा जो ज्ञान था, हमारे देश की जो संस्कृति में जो रची बसी हुई चीज़ें थी, उनको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। देखिए अंग्रेजी का सिंट शब्द हिंदी के छीट शब्द से निकला है, कितना बड़ा बात है ये। छीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। यूरोप के बाज़ारों में भारतीय कपड़े की बहुत अधिक मांग थी। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। आपको ये जान के कैसा लगा स्टूडेंट्स कि इंग्लैंड के रईस लोग ही नहीं बल्कि वहाँ की जो महारानी है ना, वो भी हमारे देश का कपड़ा पहनती थी। स्टूडेंट्स चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक दो ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं ना। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत में बना हुआ जो मसलीन कपड़ा या मलमल का कपड़ा है, यूरोप के व्यापारियों ने सबसे पहले उसे कहाँ पे देखा था? ऑप्शन नंबर 1 इराक के मोसूल में,
इंग्लैंड के लंदन में, मलेशिया के पेनांग में कि भारत के ढाका में? अब इसका उत्तर आप लोग ढूंढिए स्टूडेंट्स, उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए अब दूसरा सवाल, भारत के कालीकट जो कि स्टूडेंट्स केरल राज्य में है, तो भारत के कालीकट से जो कपड़ा यानी सूती कपड़ा इंग्लैंड ले जाया गया है ना, भारत के कालीकट यानी केरल क्षेत्र से जो कपड़ा यूरोप ले जाया गया, उस कपड़े का क्या नाम था? नंबर वन खोसा, नंबर टू मसलीन, नंबर थ्री कैलिको कि नंबर फोर छींट? चलिए इन चारों में से कौन ऑप्शन सही है आपको बताना है, और आप तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आपको इसके अगले वीडियो को देखने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अगला वीडियो भी देखिए ताकि इस पूरे चैप्टर को समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स।